जब ये सरकार आई थी तो एक एलईडी बल्ब उसकी कीमत 350 रुपये से ज्यादा में वो बिकती थी। सरकार ने उसमें इंटरवेंशन किया, बारीकियों में देखा, एलईडी का बल्ब प्रोडक्शन उसकी दिशा में देखा, उसका मार्केट बने इसकी चिंता की, और जो बल्ब 350 रुपये में बिकता था अब उजाला स्कीम के तहत केवल 40-45 रुपये में वो बल्ब उपलब्ध है। अब कोई मुझे बताया कि देश के मध्यम वर्ग के व्यक्ति के जेब में पैसा बचा कि नहीं बचा, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया कि नहीं किया। एलईडी की बल्ब की कीमत कम करके और लोगों के बिजली बिल में बचत कराकर सरकार ने सिर्फ इस एक योजना से कंज्यूमर के, उपभोक्ताओं के करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके जेब में पूरे देश में बचाए हैं एक साल में, क्योंकि बिजली का बिल कम हो गया इसके कारण। 20,000 करोड़ रुपए अगर पुरानी सरकारों की तरह अगर हम रेवड़ी बांटने के लिए लगा देते तो जय जयकार करने वालों की कमी नहीं होती, लेकिन हमने कठिन रास्ते चुने लेकिन कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के तरीके को साथ चुने हैं। 20,000 करोड़ रुपए कम नहीं होता है। इतना ही नहीं, बिजली बचने के कारण एनवायरमेंट को कितना फायदा हो रहा है। अगर इतनी ही बिजली का कारखाना लगाना होता तो शायद 50-60 हज़ार करोड़ रुपए उतनी बिजली उत्पादन के लिए कारखाने लगाने पड़ते, वो तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ।